हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अल्फा आई एस अकेडमी डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज एंड वी आर एट दी लेक्चर 7। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉपरेशन के बारे में कि इंटरनेशनल कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं और इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। ऑफकोर्स उसमें हमारा नेवर टू फॉरगेट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, NDRF के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या क्या काम करते हैं और हम लोग क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज़ में। और इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर रह जाएगा लेक्चर 8, जिसमें कि हम लोग मिस्टीरियस टॉपिक पढ़ेंगे जैसे डिजास्टर इंश्योरेंस। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी प्लीज़ अल्फा एस अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आप सीरीज़ हमसे चाहते हैं कि हम लेके आएँ आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें एंड विल ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर यू। एंड जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस सीरीज़ के नोट्स के लिए आप प्लीज़ हमारी साइट पर जा सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, देखिए 2005 तक हमारे पास कोई कंक्रीट लेजिस्लेशन नहीं था डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और 2001 में अर्थक्वेक आया था, 2004 में हमारे ऊपर सुनामी आई थी। तो अब हमें लगा कि नहीं यार, देखो अब समय आ चुका है कि देयर शुड बी अ रोबस्ट मैकेनिज्म टू डू डील विद डिजास्टर्स, एंड दस वी इनएक्टेड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन 2005, विच वॉज अ मच नीडेड स्टेप टूवर्ड्स डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, समथिंग विच वॉज हाईलाइटेड बाई मेजर क्लैमिटीज इन 2001 एंड 2005। उसके बाद ये तो बात थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, उसके अंदर अभी हम इस एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। देन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक टाइप की अप्रोच है, इट इज़ अ हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक्चुअली इसी के अंडर NDMA के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ही इसको इवॉल्व किया गया था, कि उन्होंने क्या बोला कि जो आपका NDMA होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो उन्होंने बोला कि वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, वो हर किसी को कवर करना चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी चाहिए। और उसमें आप क्या करेंगे, आपका जो कम्युनिटी जो डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए वो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, उसमें लास्ट माइल इंटीग्रेशन होना चाहिए और पॉलिसीज प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो लोगों ने करना है, वहाँ के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे वो वहाँ के लोग होंगे। इसलिए लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपको जो कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है इन ऑल स्पेयर्स करनी है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी है उससे लेके जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, जो DG है NDMA के या NDRF के, उन तक को ट्रेन करना है। देन देयर शुड बी कंसोलिडेशन ऑफ पास्ट इनिशिएटिव एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप अराउंड द वर्ल्ड देख सकते हैं और सीख सकते हैं क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जैसे डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा को सही तरीके से कोलेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूँ, पहले IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पहले लोग हंसते थे उसके ऊपर कि अगर लोगों का कहना था कि IMD ने कह दिया कि आज बारिश होगी तो उस दिन तो बारिश होगी ही नहीं, लेकिन अब इतने सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग मॉडल्स आ गए, इतने सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई हैं कि अब IMD भी कभी कभार गलत होता है और मैक्सिमम टाइम सही होता है। और लोग जो हैं आज के टाइम पे, मैं आपको बताऊं, शादी भी IMD की फॉरकास्ट देख के करते हैं कि उस दिन कहीं बारिश है तो नहीं, ठीक है, तो अपना जो प्लान या घूमने का प्लान बनाते हैं वो IMD की फॉरकास्ट देख के करते हैं। IMD एज एन इंस्टीट्यूशन भी हमारे लिए एक लर्निंग है कि कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन किया है उन्होंने, अपने आप को इम्प्रूव किया ओवर द टाइम, और आज हमें बड़ा प्राउड है कि हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करता है, हमारे वेदर पैटर्न्स में, हमें वेदर प्रिडिक्शन में, हमें डिजास्टर के टाइम पे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की हमें हमेशा से ज़रूरत थी और आज IMD वो वर्क कर रहा है। खैर, गेटिंग बैक टू दी आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हमें कॉपरेशन चाहिए किसमें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल भी कितना ज़रूरी होता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑफिस है जो कि हेल्प करता है हमें डिजास्टर रिडक्शन में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे डिजास्टर आ जाएँ जो हमने कभी देखे ना हो, तो देन वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देन ऑफकोर्स हमारा जो मैंने आपको बोलता था मल्टी अप्रोच, मल्टी सेक्टोरल सिनर्जी चाहिए हमें, हर जगह पे सामंजस्य चाहिए, हर किसी का कोऑर्डिनेशन सही चाहिए, ठीक है। देन डिजास्टर फेजेस, देखो डिजास्टर को डील करने के 3 फेजेस होते हैं, कि एक तो डिजास्टर से पहले, एक ड्यूरिंग डिजास्टर और एक आफ्टर डिजास्टर, ठीक है। इन तीनों में आप डिवाइड करें, इन तीनों में अलग अलग प्लानिंग बनाए, जैसे प्री डिजास्टर में आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन पर ध्यान दे सकते हैं कि जब डिजास्टर हो, डिजास्टर पहली बात तो डिजास्टर हो ही ना, जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो, बायोलॉजिकल डिजास्टर ना हो, तो उसके लिए आप प्रिवेंशन कर सकते हो, यू कैन पुट मैकेनिज्म्स इन प्लेस दैट सच डिजास्टर डज नॉट टेक प्लेस। देन यू कैन वर्क ऑन मिटिगेशन की, अगर बाई चांस अगर हमें हिट करता है तो मिनिमम लॉस हो। मान लिया जैसे आप बोलो कि यार 50 किलोमीटर तक सी के अराउंड कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो थोड़ा टाइम मिल गया ना लोगों को, 50 किलोमीटर को पानी अंदर आने में या सुनामी के अंदर आने में टाइम तो लगेगा, उतना टाइम लोगों की लाइफ सेव करने में
हमें मिल गया तो क्या करना, आप मिटिगेशन पे भी प्री डिजास्टर फेज में वर्क कर सकते हो। मिटिगेशन पे आप पोस्ट डिजास्टर फेज में भी वर्क करोगे, लेकिन आप प्री डिजास्टर फेज में भी वर्क कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जो लोकेलिटीज़ हैं या कौन कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो कि वनरेबल हैं ज़्यादा उस डिज़ास्टर के प्रति, और कोई भी जो डिज़ास्टर आएगा वो किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो इन सब को आप मिटिगेशन प्रैक्टिसेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, जो जापान है वो अपने जो बिल्डिंग कोड है उसको बड़ा रिगार्ड करता है, उसकी जो एप्लीकेशन है उनको वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है जापान, तो वहाँ घर वैसे ही बनाने पड़ते हैं कि वो कितने भी रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो है झेल सके। तो होता क्या है कि जापान ने क्या किया, मिटिगेटिंग फैक्टर कर दिया, कैसे, बिल्डिंग कोड्स को स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। देन प्रिपेयर्ड रह सकते हैं आप, प्रिपेयर्ड कैसे, कम्युनिटी से, इंडिविजुअल लेवल से कम्युनिटी, कम्युनिटी से स्टेट, स्टेट से नेशनल लेवल, तो चारों लेवल पे आपको जो है स्ट्रेंथन रहना, प्रिपेयर्ड रहने की कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वायबल प्लान्स बनाएं, इवैक्यूएशन प्लान अच्छे बनाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाएं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाएं, ठीक है। देन अर्ली वार्निंग, तो मैंने आपको बताया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आप डेवलप करते हैं, जैसे इन केस ऑफ सुनामी हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमने टायर लगा के एंटीनास भेजे हुए हैं, तो वो एट रियल टाइम मॉनिटर करते रहते हैं सी सरफेस, सी वेव्स का स्पीड, ओशन का टेम्परेचर, ये सब रिकॉर्ड करते रहते हैं, और उसी को डाटा पुट करके सिमुलेशन या एल्गोरिदम से हम पता लगा सकते हैं कि कहीं पे सुनामी आ सकती है या नहीं आ सकती है, कहाँ पे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, सुनामी जो है बड़े वेव्स में ट्रैवल करती है, तो जब वो ऊपर रहती है तो वहाँ पता लगता है, कई बार नीचे रहती है तो हो सकता है आपके नीचे से, आप समुंदर के बीच में हो और आपके नीचे से सुनामी निकल जाए और आपको पता भी ना चले। तो सुनामी जो है वेव्स में वर्क करती है, क्योंकि वो पानी तो वहीं रहता है लेकिन वो एनर्जी मूव करती रहती है लगातार। देन अब तो ये तो प्री डिजास्टर की बात हो गई, अब डिजास्टर हिट कर गया आपको, तो सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हाँ ये डिजास्टर हुआ, हम इसको जो है ऐसे टैकल करेंगे, और इसको जो है हम अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। जैसे मान लिया 5 का स्ट्राइक करेगा अर्थक्वेक तो हम ये करेंगे, 7 का करेगा तो ये करेंगे, 9 का करेगा तो ये करेंगे। तो वो बहुत जरूरी है, आपका प्लान पहले से तैयार हो, आप रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स में क्या, पहले जो प्लान्स बना के आप उसको इंप्लीमेंट करें, जो काउंटर डिजास्टर सिस्टम है आप उसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे क्या होता है, डिजास्टर सेल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, आप उसको एक्टिवेट करेंगे, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, आप जो है फूड शेल्टर हेल्थ केयर पहुँचाएंगे जो अफेक्टेड लोग हैं, आप सर्वे और असेसमेंट करेंगे। जैसे आपने देखा कई बार हेलीकॉप्टर जब फ्लड्स आते हैं तो जो मंत्री हैं या वेरियस डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से देखते हैं, तो चलो पॉलिटिशियन तो जो है देखते हैं कि भाई वो एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि हाँ भाई कितना एरिया इफेक्ट हुआ है। बट कई बार क्या होता है, लाइडर लगाते हैं, लाइडर एक टेक्नोलॉजी है, हम आपको साइंसिटी टेक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लाइडर टेक्नोलॉजी, लाइडर को लगाते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर से और देखते जाते हैं कि हाँ कहाँ पे कितना पानी गहरा है, कहाँ पे ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो ये फ्लड के टाइम पे ऐसे ही आप वेरियस डिजास्टर्स के लिए असेसमेंट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ऐसे इवैक्यूएशन मेजर्स आपके इन प्लेस होने चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी आपका काम है। अब आपको जो है, अब आप डिजास्टर खत्म हो गए, अब आप आगे हैं पोस्ट डिजास्टर फेज पर। पोस्ट डिजास्टर फेज में रिकवरी एंड डेवलपमेंट दोनों बहुत ज़रूरी है। रिकवरी एज अ ह्यूमन बींग, क्योंकि आपके ऊपर आप साइकोलॉजिकल टूट चुके होते हो, आप इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुके होते हो, कई प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, तो आपको उसके रिकवर करना है। और सरकार को क्या करना है, डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। डेवलपमेंट पे कैसे, जैसे आप कंस्ट्रक्शन जो उजड़ गया उसे दोबारा बनाएं, स्कूल्स कई बार फ्लड्स में स्कूल खत्म हो जाते हैं, आप स्कूल दोबारा बनाएं, जो पहले चीज़ें या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसको बिल्डअप करें। उसके लिए कई बार क्या होता है, डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसे भी रिलीज़ किए जाते हैं, है ना, प्रधानमंत्री एक डिजास्टर रिलीफ फंड है, वहाँ से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। रिकवरी में क्या होगा, कम्युनिटी और इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, रिहैबिलिटेशन करेंगे, रिकवरी करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये जो है रिकवरी और डिवेलपमेंट जो है किसके पार्ट है, पोस्ट रिकवरी के। आप इमीडिएट रिलीफ देंगे, असेस करेंगे कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ और उस को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, और कैसे हम कम से कम जो आमजन जो पहले जीवन जी रहे थे उनको दोबारा उस जीवन में लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एफर्ट्स चाहिए, तो ये सब आप पोस्ट डिजास्टर फेज में करेंगे, ठीक है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हैं बहुत सारी हमारे पास, तो हमने एनडीए में तो बात कर ली है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। उससे पहले क्या था कि 2005 से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि उससे पहले हम जो है डिजास्टर हिट कर जाता था तब हम काम करना शुरू करते थे, ठीक है। हम लोग आफ्टर डिजास्टर काम करते थे, मतलब हमारी रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच थी, पहले हम लोग रिलीफ पहुंचाने में बिलीव करते थे, लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसने प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग पर ध्यान दिया, जिससे कि जो क्षति है डिजास्टर्स के चलते वो कम हो।
फिर इस एक्ट ने इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NDMA, SDMA, DDMA. NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA स्टैंड्स फॉर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. देखिए गाँव शहर, अभी मैं आपको फ्रेमवर्क पढ़ाऊँगा कि कैसे हर जगह पे आपको स्ट्रेंथन करना है, हर जगह पे अपना प्लान बनाना है. इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक रिकमेंडेशन थी कि विलेज स्पेसिफिक प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि हर विलेज की टोपोग्राफी अलग है. कहीं नदी पास है, जो नदी के पास वाले विलेजेस हैं वहाँ एक अलग प्लान होंगे, जो थोड़े दूर वाले हैं वहाँ अलग होंगे, पहाड़ में जो विलेज हैं उनका अलग होगा, जहाँ वनिज या खनिज संपदा ज़्यादा है वहाँ, जहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं उसके लिए अलग प्लान होंगे. तो अलग अलग प्लान होंगे, ये किसने बोलता, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने. अब आगे बस दो मिनट में पढ़ेंगे उसको. देन NDMA के अंदर ही एक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाया गया, डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाया गया एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन उसने बोला कि आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाएं, NDRF बनाएं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. और NDRF का कंपटीशन हम अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. इनफैक्ट इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर दी पेनल्टीज फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, फॉल क्लेम्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन. एंड इट वॉज इन दिस एक्ट which where it was stated that there will be no discrimination on the grounds of sex, caste, community, descent or religion in providing compensation and relief. तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने ये मेन चार पांच चीज़ें कही थी, तो ये आप लिख सकते हैं. देन एक सेकेंड ARC जो हम हमेशा पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी का, उसने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में कुछ बोला. उसने कहा कि यार देखो, पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एक बड़ी अच्छी कहानी यह है कि वो किसी भी लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, ना वो लिस्ट 1 में है, ना वो लिस्ट 2 में है, ना वो लिस्ट 3 में है. इसीलिए आर्टिकल 248, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ 3 और 8 में, खाल 248 जिसमें कि रेजिड्यूरी पावर्स हैं, कि जो भी आइटम्स लिस्टेड नहीं है कहीं भी लिस्ट में, वो पावर किसको है, पार्लियामेंट को है उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की. बट एक खेल ये था कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है लिस्ट 2 में, तो स्टेट वहाँ से उस पावर को यूज़ करके कुछ भी जो एक्ट बनाना है बना सकते हैं. लेकिन फिर भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो रेजिड्यूरी पावर इस्तेमाल करी, जब पार्लियामेंट ने उस पावर को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था. तो कहीं भी 3 जगह नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक दिक्कत साबित हुई थी. तो सेकेंड ARC ने यही बोला कि देखो भैया, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की वो स्टेट की ही है, और जो यूनियन है या सेंटर है वो सिर्फ सपोर्टिव रोल करेगा या सपोर्टिव रोल में रहेगा. ठीक है, उन्होंने बोला कि आप कैटेगराइजेशन करें डिजास्टर की एट लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की, और इस कैटेगराइजेशन के बाद आप इंटेंसिटी देखें कि किस डिजास्टर का क्या इफेक्ट होगा, और उसी हिसाब से अपना आप गाइडलाइंस बनाएं, प्लान्स बनाएं. इनफैक्ट इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द लॉ शुड मेक प्रोविजंस फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. कई बार क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसा आया और सरकारें उसे खा जाती हैं, ऐसे बहुत एन नंबर ऑफ केसेस हैं. ठीक है, तो हमें जो है सेकंड ARC ने बोला कि इसको भी आप एक पनिशेबल ऑफेंस बनाएं कि डिजास्टर को पैसा ना खाए कोई. ठीक है, देन हमारे पास एक 2009 में हमने डिजास्टर नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट बनाई, जिसमें हमारी वो मल्टी वाली अप्रोच थी जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ, जिसने बोला कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होलिस्टिक होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड होनी चाहिए एंड टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होनी चाहिए. एंड इट शुड हैव अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स. ठीक है, तो आपको प्रिवेंट करना है, मिटिगेशन पे ध्यान देना है, पहले से प्रिपेयर रहना है और स्विफ्ट रिस्पॉन्स देना है. ठीक है, एंड ऑल्सो इसी पॉलिसी में जो है द प्रिंसिपल और द इशू ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस हैज़ बीन गिवन ड्यू कंसिडरेशन. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अमीर व्यक्ति को पहले कहीं से पहले इवैक्यूएट कर दिया और गरीबों को बाद में किया. तो दैट इक्विटी प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड. और जब आप प्लान बनाते हैं तो इंक्लूसिव प्लान बनाएं, कि ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आपने छोड़ दिया या किसी एरिया को छोड़ दिया. इट शुड बी वेरी इंक्लूसिव एंड एवरीथिंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्लानिंग फॉर द डिजास्टर्स. नाउ 2016 में हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया. ठीक है, अब ये जो प्लान है ये पहले तरीके का प्लान है इंडिया में एक्चुअली. ठीक है, और ये 2015 से 30 तक जो सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिडक्शन, उसके जो गोल्स हैं और प्रायोरिटीज़ हैं उसको जो है मेट करता है या इन लाइन विद दैट बनाया गया है. ठीक है, और ये इसके 5 एरियाज हैं जिसमें ये फोकस करता है. जैसे आप रिस्क अंडरस्टैंडिंग रिस्क को अंडरस्टैंड करें, देन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो जितनी भी एजेंसीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसके अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आती है, NDRF आती है, ठीक है, PMO हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हो गया, फिर विलेज लेवल पे पंचायत हो गई, तो उसमें
जो है कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। देन आप इन्वेस्ट करें डिजास्टर रेजिलिएंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, स्ट्रक्चरल मेजर्स में, बिल्डिंग वगैरह, एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक आप साफ सफाई रखें, लीगल फ्रेमवर्क अपना मजबूत करें, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देन आप कैपेसिटी बिल्ड करें। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 जो था उसने इन पांच एक्शंस को पे या पांच एरियाज पे फोकस किया विच आर इन लाइन विद द शेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रॉम 2015 टू 2013। उससे पहले ह्योगो फ्रेमवर्क था, अभी जस्ट हम पढ़ाएंगे आपको जब हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन या इंटरनेशनली हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Does NDMP, that is National Disaster Management Plan, also provides for horizontal and vertical integration among the all the agencies? की एक various ministries में भी coordination होना चाहिए और एक ministry में जितने department हैं उनके अंदर भी coordination होना चाहिए। तो it provided for the horizontal as well as the vertical integration of all the agencies and departments of the government. क्योंकि सबका साथ से ही कोई भी problem को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट 2016 में ही एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, द इनकमबेंट प्राइम मिनिस्टर आउटलाइंड अ 10-point एजेंडा। उन्होंने कहा कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो रेजिलिएंट बनाना है, जो रिस्क कवरेज देना है वो सबको देना है, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड टू मीडियम टू हाई हर किसी को मिलना चाहिए, सबको कवर करना चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास वाली उनकी फिलॉसफी है। देन देयर शुड बी अ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, है ना। और फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रिस्क मैपिंग में, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, लेवरेज करना चाहिए, ठीक है। देन वी शुड डिवेलप अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज विच डील्स विद द इशूज़ लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, हाउ टू डील विद इट, वट कैन वी डू इन द कमिंग ईयर्स, हाउ कैन वी यूज AI, ML, how can we use data, how can we use simulation techniques, how can we use algorithms to, you know, study the disaster। तो ये सब कहाँ universities में पढ़ाया जाना चाहिए। Then आप social media और mobile technologies का इस्तेमाल करें, है ना, build on local capacity and initiative, क्योंकि local capacity, local ones are the first responder to the disaster, so it is them who should be strengthened the most, ठीक है। Then you should ensure the opportunity to learn from disaster is not wasted, and you know, there should be a greater cohesion between the international community to respond to the disaster. In fact, इसी के चलते government of India ने decide किया कि हम एक आपदा प्रबंधन के लिए एक award बनाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार award, जो कि दिया जाता है उन लोगों को जो बड़ा अच्छा काम करते हैं इन द एरियाज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, लाइक प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रेस्क्यू रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन और अर्ली वार्निंग। तो इसमें जो भी अच्छा काम करेगा उसको जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा। देखिए मेरी जो स्क्रीन है वो कभी कभार फ्लक्चुएट करती होगी, मैं जहाँ नीचे साइड में हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, बट आप जो है स्लाइड्स पे ध्यान दें वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वेब है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी डिजास्टर आएगा तो MHA में डिजास्टर मैनेजमेंट, MHA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करेगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, ये एक 4-member बॉडी है जिसको कि PM हेड करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है इसको होस्ट करती है। देन एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जिसको कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। तो ये आपका सेंट्रल लेवल पे क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन हो गया आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होगी। सेंट्रल लेवल पे जितनी भी एजेंसीज हैं वो आपस में, जैसे MHA, MHA ने NDMA, NDMA से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इन तीनों ने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया। फिर आप स्टेट पे आ जाएं तो नेशनल गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर NDRF को भेज देगी। फिर आप स्टेट पे आ जाएंगे, स्टेट में क्या होगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं और 8 other मेंबर्स होते हैं उसमें। वहाँ पे भी क्या होता है कि वो तो लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसको कि चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं। तो ये वहाँ पे आपने डील कर लिया, अब स्टेट गवर्नमेंट से आपने फ्रेमवर्क डील कर लिया। अब आप डिस्ट्रिक्ट पे आ गए तो डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या DDMA होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कि हेड करते हैं जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं और उसको को चेयर करते हैं जो जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और वो रिपोर्ट करते हैं किसको, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जिसके चेयरपर्सन होते हैं चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गया। उसके नीचे फिर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, और उन दोनों में जो पंचायत में तो जो आपकी पंचायतों की म्यूनसिपैलिटीज़ में जो
जो भी आपके मेयर वार्ड मेंबर्स होंगे वो आ जाते हैं। तो इन सब ये जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इस तरीके से जो है सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम, इस तरीके से हायरार्की एनडीएमए एसडीएमए मिलके और डीडीएमए के साथ प्लान बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब जो है अलग अलग डिजास्टर के अलग अलग तय है, ठीक है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनडीआरएफ, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो एक्चुअली ये एमएचए के अंडर आती है, इसमें जो है जो हमारे सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको बोलते हैं, फिर बीएसएफ, यहाँ से क्या होते हैं कि पर्सनल जो है 7 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं और उन्हीं से मिलकर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई जाती है। इसका एक डीजी भी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है डिजास्टर से डील करने में, ठीक है। और अदर स्टेप्स क्या हैं गवर्नमेंट का, तो जो हमारी एजेंसी आईएमडी उसने लॉन्च किया है फर्स्ट क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, और ये एटलस हमें बताती है कि आप लोकल पॉपुलेशन, उनकी लाइवलीहुड, उनकी इकोनॉमी पे किसी भी डिजास्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये आपको इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग देती है कि कहाँ कितना, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ेंगे, कहाँ कितने बढ़ेंगे ये बताती है, और कहाँ कितना इम्पैक्ट होगा वो बताती है, ठीक है। देन एड इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि आपको कितनी एड चाहिए होगी अगर कोई भी डिजास्टर आ गया। देन प्लानिंग क्लाइमिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और आपने जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसको कैसे, जो कैपेबिलिटी है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, आपको क्या क्या कैपेबिलिटी की जनरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, पहले तो जो है लोग ड्रिल से खोदते थे, कोई हथौड़ा लगा हुआ है, लेकिन अब आपके पास थर्मल इमेजिंग डिवाइस है, लाइव डिटेक्टर्स हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर हैं, आपके पास ब्रीज सिस्टम्स हैं, वीडियो कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखा आपने छोटा सा कैमरा, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो रोबोट्स का, कि जो अंदर जाके देख सकें कि हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई व्यक्ति उसके मलबे के नीचे दबा हुआ नहीं है। तो ये जो है अब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को ये सब इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू जो है ईजी बन जाए ओवर द टाइम, और मोर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आईएमडी ने तो ये वल्नरेबिलिटी एटलस बनाई, ऐसे ही जो हमारा INCOS है, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, उसने कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बना रखा है इंडियन कोस्ट के लिए, ठीक है। अब कोस्टल वल्नरेबिलिटी वो मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको स्ट्रांग बनाती है, ठीक है, वहाँ पे उन पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है वो बताते हैं। तो ये कि आप कितने वल्नरेबल हैं कोस्टल एरियाज में किसी भी डिजास्टर से, साइक्लोन से या बैक वाटर फ्लड्स आ जाते हैं कभी कभार उससे, ठीक है। द CBI विल हेल्प टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्बैट अगेंस्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड मिनिमाइज लॉन्ग टर्म डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी डिजास्टर आता है तो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये सब जो है कम होती है, अदर इनिशिएटिव्स। देन हमारा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया था, तो उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किए। उन्होंने बोला कि आप इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाएं, आप विलेज कमेटी बनाएं, विलेज कमेटी को स्ट्रांग बनाएं, उसको स्ट्रेंथन करें, ठीक है, उसको जो है प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का पार्ट बनाएं, ठीक है, और जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होने चाहिए, वो विलेज स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि हर विलेज की अपनी एक अलग डिमांड है। देन जो आपका हैजार्ड रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, कैपेसिटी एनालिसिस है, उसको मैप करें, उसके लिए आप स्पेसिफिक प्लानिंग बनाएं और आप कैसे एनहांस कर सकते हैं उसको आप वो बताएं। देन देयर शुड बी अ कोहेरेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस रेजिलिएंट डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक्शन, तो ये सब जो है आपस में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो आपने क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए या कम करने के लिए जो एक्शन लेने, ये जो है कोहेरेंस में चलने चाहिए, आपस में एक इनमें हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे इंटरनेशनली कितने 2015 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम आ जाते हैं, ये तो बात थी इंडिया की, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोबली क्या क्या कॉपरेशन है, इनिशिएटिव है। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास ह्यूगो फ्रेमवर्क था, एक सेंडाई फ्रेमवर्क था। ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है अभी ओवर हो गया, वो 2001 से 2015 तक के लिए था, और उसके बाद जो है ह्यूगो और सेंडाई दोनों ही सिटीज़ हैं जापान में। ह्यूगो और उसके बाद फिर सेंडाई फ्रेमवर्क आया। सेंडाई फ्रेमवर्क जो था 2015 से 2020 तक था, लेकिन उसने भी बहुत सारी, पहले हम ह्यूगो के बारे में पढ़ लेते हैं, उसने क्या बोला, तो उसने हमें थोड़ा सा वो गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में। इट टोल्ड अस अबाउट द प्रायोरिटी फॉर एक्शन एंड प्रैक्टिकल मींस फॉर अचीविंग डिजास्टर रेजिलियंस फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज। इट वॉज बेस्ड ऑन 5 एक्शंस, है ना, एंड इट एंश्योर दैट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज अ नेशनल एंड अ लोकल प्रायोरिटी विद अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है, ये इसका पहला था। फिर सेकेंड इसका एक्शन था कि आइडेंटिफाई एक्सेस एंड मॉनिटर डिजास्टर रिस्क एंड एनहांस अर्ली वार्निंग। फिर आप जो है यूज़ करें नॉलेज, इनोवेशन एंड एजुकेशन को टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलियंस एट ऑल लेवल, है ना। वो बताते हैं कि अर्थ क्यों आता तो बच्चों को सिखाया जाता है ड्रिल, आप जो है अपने स्कूल की जो बेंच है उसके नीचे छुप जाएं, या ओपन में अगर आपके पास में ही कोई डोर है तो आप भाग के ग्राउंड में चले जाएं। तो ये सब जो है ह्यूगो ने जो है ह्यूगो का आइडिया था कि आप ऐसा जो डेवलपमेंट करें वो ऐसा करें डिजास्टर से बचने के लिए। देन रिड्यूस दी अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एट ऑल लेवल्स। तो ये इसके पांच एक्शन वो थे। इंडिया ने इसी के इनलाइन दो तीन स्टेप्स लिए, जैसे हमने एनडीएमए एक्ट बनाया 2005 में, हमने सिविल सोसाइटी का इंगेजमेंट बढ़ाया, उसको स्ट्रेंथन किया, है ना। और इनफैक्ट हमारी जो आइडियोलॉजी थी, हमारी फिलोसफी है, वो बिल्ड बैक बेटर ही है कि अगर कोई भी डिजास्टर हमें हर्ट करता है तो हम वी शुड बिल्ड बैक बेटर, पहले से भी हम बेटर बनाएं। तो दैट इज़ द फिलोसफी एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ फिलोसफी वी शुड फॉलो, क्योंकि ये हमें एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देती है। क्योंकि हम जब कोई डिजास्टर हमें हिट करता है और जब हम उससे निकल रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम मोटिवेटेड रहे, और वी शुड हैव अ आइडिया बिहाइंड कि वी विल बिल्ड एंड वी विल बिल्ड बेटर देन दी लास्ट टाइम, ठीक है। देन शेंडाई फ्रेमवर्क आ गया। शेंडाई फ्रेमवर्क आया एक्चुअली 2015 में, वहाँ पे एक थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन शेंडाई सिटी। सक्सेसर था ये ह्यूगो फ्रेमवर्क का, और इसने 2015 के बाद कैसा डिजास्टर को टैकल करना है उसके बारे में हमें बताया। तो इसमें 7 टारगेट्स थे और 4 प्रायोरिटीज़ थी एक्शन की, ठीक है। तो सारे तो पढ़ने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कोई देखना चाहे देख सकता है। तो लेकिन हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ लेते हैं कि इंडिया की क्या प्रोग्रेस रही है आफ्टर शेंडाई डिक्लेरेशन। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन फॉलोइंग इनिशिएटिव, जैसे इंडिया ने सक्सेसफुली होस्ट किया एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, जिसमें कि हम लोगों ने दो चीज़ अपनाई, एक था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड रीजनल एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेंडाई फ्रेमवर्क, विच वॉज इन लाइन विद द शेंडाई प्रायोरिटी 4, कि आपकी जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इज स्ट्रेंथन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया ना कि इक्विपमेंट, अब कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आ गया हमारे पास, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, लाइट डिटेक्टर, मल्टी गैस कैमरा, है ना, वीडियो कैमरा, ब्रीच सिस्टम, मतलब कैसे आप घुस सकते हैं अंदर, अच्छी अच्छी वो आ रहे हैं। तो आप NDRF को स्ट्रेंथन करें उस इक्विपमेंट से। देन गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस कीननेस टू शेयर इंडियाज एक्सपर्टीज इन डिजास्टर, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे साइक्लो, जैसे हमारे पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म है साइक्लोन से डील करने का, हमारे पास सब रोबस्ट मैकेनिज्म है सुनामी से डील करने का, हम ये जो डिजास्टर हैं देख चुके हैं, तो हमारी जो एक्सपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं दूसरों को लिए, ठीक है। तो यही बात जो है बोली शेंडाई ने, ठीक है। देन इंडिया ने JNU के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया कि एक आप सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर रिसर्च एंड रेजिलियंस बिल्डिंग बनाएं एट JNU, जिसमें कि हम आप हमें एकेडमिक कोऑपरेशन दे रहे हैं, उसके लिए हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे, लेकिन आप हमें एकेडमिक कोऑपरेशन दें इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो JNU हैज़ सम गुड थिंग्स ऑल्सो, इट इज़ इन न्यूज़ फॉर गुड थिंग्स ऑल्सो, डोंट वरी। तो हम पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए किसी भी चीज़, ठीक है। तो ये था शेंडाई फ्रेमवर्क के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। देन हमारे पास एक UN डेक है जिसको यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन 1993 में बनाया गया था, और कोई ये डील करता है, कोई भी इंटरनेशनल इमरजेंसी हो जाती है ड्यू टू दी डिजास्टर उससे डील करता है। एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये है, आपके पास एक ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है। तो अगर मान लिया मैं एक कंट्री हूँ ए, अगर मेरे यहाँ डिजास्टर आया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इससे कि आप जो है मेरे को मदद प्रोवाइड करें, तो ये क्या करेंगे 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक टीम डिस्पैच करते हैं UN डेक की, और वो प्रोवाइड करती है टेक्निकल सर्विस और असेस करती है डैमेज को, ऑन साइट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन देती है, जितनी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो देती है। अगर पैसे की कहीं ज़रूरत होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करती है कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रासदी हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हेल्प करें, ठीक है। और बहुत बार ये ऑन साइट ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सेटअप करते हैं टू हेल्प दी लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। नाउ ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी तक हम बात करते हुए आ रहे हैं, जैसे ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखना है, दिस ऑल आर इन लाइन विद द शेंडाई फ्रेमवर्क। ये शेंडाई फ्रेमवर्क में लिखा गया है। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता दूँ, 2015 में क्या हुआ कि शेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया, देन जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 थी, जो पेरिस, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड, UNFCCC का, जिसमें कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वो 2015 में आया, और आपका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, क्योंकि पिछले वाले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो ओवर हो गए थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि खुद 2015 से 2030 तक हैं वो उस टाइम आए, तो ये टाइप का कोहेरेंस बन गया था 2015 में कि आपके पास शंघाई रूल्स आ गए, आपके पास स्कोप 21 हो गया और आपका SDG आ गए, और ये आपस में एक टाइप से क्या बन गया कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, क्योंकि बात तो वही थी, बात तो आइडिया सबका एक ही था कि ह्यूमन लाइफ्स, ह्यूमन इकोलॉजी को बचाना है फ्रॉम डिजास्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, सस्टेनेबल लिविंग पे ध्यान देना है। तो इन तीनों ने क्या किया, दे ओपन दिस सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड कोहेरेंस अक्रॉस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वैसे तो गोल 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15 ये सब डील करते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि 9, 2, 11, 11, 2, 13 और 1, 14 ये याद रख लेना आप, क्योंकि ये डायरेक्टली डील करते हैं थोड़ा सा, 13 और 14 तो एकदम डायरेक्टली डील करते हैं। तो 9 क्या बोलता है कि यू शुड बिल्ड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल 11 क्या बोलता है कि देयर शुड बी मोर रेजिलिएंट अर्बनाइजेशन, गोल 13 क्या बोलता है कि स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन बिटवीन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, देन गोल 14 क्या बोलता है कि रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हेल्दी मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, और दीज ऑल आर इन लाइन विद द शंघाई फ्रेमवर्क विच फोकसेज ऑन बिल्डिंग इन्वायरमेंटल रेजिलियंस थ्रू द इंक्लूजन ऑफ इकोसिस्टम इन रिस्क एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो ये जो है देखो कैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके शंघाई वाली जो आइडिया था या जो फिलॉसफी थी उसमें जो लिखा था उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऐसे ही हम देखेंगे कि कोप 21 भी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ये डायग्राम है, जैसे कोप 21 क्या बोलेगा, कोप 21 बोलेगा कि यार जो क्लाइमेट चेंज वाला, क्लाइमेट चेंज की वजह से, शंघाई क्या बोलेगा कोप को कि यार, या UNFCCC को कि यार जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर हो रहा है ना उसकी आप देख रेख करो, कि आप हमें बताओ कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम लोग और अच्छा बनाएंगे। तो ये आपस में एक दूसरे, तीनों जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि UN ने कुछ ऐसा रिलीज़ किया, एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 में ही किया था, उसका जो उसकी जो थीम थी वो भी यही थी कि आवर वर्ल्ड एट रिस्क ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, और उसने बड़ा फोकस किया कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है डिजास्टर के टाइम पे वो इंक्रीज हुई है तो उसको कम किया जाए। देन ये तो जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिडक्शन थी 2022 की, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आवर वर्ल्ड एट रिस्क ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, ये एक चीज़ हुई। फिर एक को 15 हुई, को 15 किसकी हुई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन से डील करता है। फिर वहाँ पे उसने एक अबिडजान कॉल दी, अब अबिडजान कहाँ है, अबिडजान एक सिटी है कोटे डे आइवर में। अब कोटे डे आइवर कहाँ है, अगर आप जो है वेस्टर्न, अगर मैं आपको ले चलूँ वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ, तो आप जो है घाना और लाइबेरिया के बीच में कोटे डे आइवर को पाएंगे। माली का बॉर्डर लगता है ऐसे यहाँ ऊपर से, इस पर ना माली कंट्री है, उसका बॉर्डर लगता है। तो घाना एंड लाइबेरिया, घाना ऑन दी लेफ्ट, लाइबेरिया ऑन दी राइट एंड माली अपसाइड, और दो तीन और कंट्री लिखते हैं, लेकिन अभी जो है इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोटे डे आइवर मिल जाएगा, और कोटे डे आइवर में ही अब ये UNCCD होती। इनफैक्ट अगर आप वो गूगल मैप में देखेंगे और उसको फोकस करेंगे तो कोटे डे आइवर में तो आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर में जब आप नदर अफ्रीकन कंटिनेंट को देखेंगे तो पूरा आपको सूखा हुआ मिलेगा, ब्राउन रंग का मिलेगा, मतलब वहाँ पे कोई भी घास नहीं है। तो कितना वहाँ पे जो है लैंड डिग्रेडेशन होना चाहिए कि वहाँ कुछ उपजाऊ नहीं हो सकता। खैर, वहाँ पे हमने UNCCD में एक अबिडजान कॉल दी गई टू दी हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, कहा गया कि आप जो है बूस्ट करें लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। फिर वहाँ पे हमने एक अबिडजान डिक्लेरेशन भी कर दी कि वी विल अचीव जेंडर इक्वालिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन। ये तो आपस में सब कनेक्टेड है, इकोलॉजी एंड नेचर इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इन इकोलॉजी एंड नेचर इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, देन को 15 का जो थीम था वो भी लैंड लाइफ एंड लेगेसी था, और उससे एक डिक्लेरेशन आई। इनफैक्ट यो वहाँ पे जो था UNCCD जो है एक रिपोर्ट भी निकालती है जिसको ग्लोबल लैंड आउटलुक बोलते हैं, इस बार उन्होंने यहाँ पे जो उन्होंने ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, देन एक प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, फायर रेडी फार्मूला फॉर वाइल्ड फायर्स। तो UNEP ने बोला यार देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंस्टेंसेज ऑफ वाइल्ड फायर्स विल इंक्रीज, तो आप जो हैं तैयार रहें, आप फायर रेडी रहें वर्ल्ड को जो है कि फायर्स बढ़ेंगी और आपको उसको कैसे टैकल करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान बनाए। तो ये UNEP ने बोला, तो उन्होंने एक 63-34 फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जो आप 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आप जो है
66 रुपीज़ जो है आप डिवोट करें प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रिकवरी पे, एंड 34% आप खर्च करें रिस्पॉन्स पे। तो मतलब 66% आप खर्च करें प्री डिजास्टर पे एंड 34 आप खर्च करें पोस्ट डिजास्टर या ड्यूरिंग डिजास्टर थिंग्स पे। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, आईरिस जिसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा फ्यूचर का अभी आपका बेसिकली अडॉप्ट किया जाना है, अभी COP26 में इसको अडॉप्ट करेंगे। एक्चुअली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं, तो उन्होंने बोला है कि आई एक आयरिस ग्रुप बनाएंगे जो कि COP26 में लॉन्च करेंगे, एंड इट विल बी एम्ड एट क्रिएटिंग अ कोलिएशन फॉर पुटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विदस्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड लेसन इकोनॉमिक लॉसेज इन आइलैंड नेशन। क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर सबसे पहले क्लाइमेट चेंज से कोई इफेक्ट होगा तो वो आइलैंड नेशन होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होंगे, आइलैंड नेशन होंगे, ठीक है। और उनके पास इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस डिजास्टर से लड़ सके, इसीलिए ये सब जो आयरिस है तो आप इसको जो है प्रमोट कीजिए। इनफैक्ट आप इसको इंडिया के सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी लिख सकते हैं, थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर, लास्ट लेक्चर इज लेफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा एस अकेडमी। बाय बाय।